दो गलतियां जो एक ट्रेडर को बर्बाद करती है। पहली, वह सोचता है कि जो प्रॉफिट उसको पहली बार बना है वो उसका है। प्रॉफिट आपका नहीं है, आपका कैपिटल है। आप कैपिटल लेकर आए थे, आपको कैपिटल की केयर करनी है। तो पहली गलती सबसे ज्यादा करते हैं जो लोग, वो ये है कि आप मानते हो कि प्रॉफिट आपका है। अब दूसरी जो एक गलती लोग करते हैं, वह जब ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट उनका है और वो प्रॉफिट जब आके चला जाता है तो वो अपने कैपिटल को जो खुद का है उसको लगा के उस प्रॉफिट को वसूल करने की कोशिश करते हैं जो आपका था ही नहीं। और ये सबसे बड़ी गलती है। सबका लॉस जीतने भी ट्रेडर है, सबका लॉस होता है उस पैसे को वसूल करने के लिए जो पैसा उनका था ही नहीं। तो माइंड में समझो कि कैपिटल आप लेकर आए थे, उस कैपिटल का पर्पस है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी बड़ा लॉस भी हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। उस ऊपर के हिस्से तो आता जाता रहेगा, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको बाहर निकालते रहना है। कैपिटल आपका है, उसको प्रिजर्व करना है, बहुत लंबा रिस्क नहीं लेना है और इसी तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये दो गलतियां बिल्कुल मत करना। और ये दोनों गलतियां साइकोलॉजी वाली है, इसमें टेक्निकल नॉलेज किसी का रोल नहीं है, सिर्फ आपके माइंडसेट का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।